inviting on stage Mr. Ashok Todi, Mr. Pradeep Todi, and Mr. Navin Todi. Can we have a huge round of applause for them? And yes, also, it gives me immense pleasure in welcoming the man who's going to take you to this journey as well. The most dynamic, multi-talented, versatile, the Bollywood star, and the man who's ruling millions of hearts. Put your hands together for our very own Bollywood actor who's going to be on stage in a short while with all three gentlemen. None other than the man, Mr. Varun Dhawan. Come on, everyone. Zordar taaliyan honi chahiye for the star who's going to be there with us on dais. And here he is. Can we have a huge, 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 huge round of applause for him? Finally, finally. Kya baat? Alright, so moving forward, I know this moment is going to be very special for everyone. But yes, without much ado, I would request Mr. Ashok Todi, Chairman, Lux Industries Limited, to kindly take us through the journey of Lux briefly and share a few more insights about the company over the years. Over to you, sir. Thank you, all of you. सबसे पहले मैं Lux Industries Limited की तरफ से आप सभी लोगों का most welcome कर रहा हूँ. ये आप जानते हैं कि Lux Cozi इस ब्रांड में हम लोग काफ़ी इनोवेशन करते रहते हैं और ये भारतवर्ष में एक पहली बार हम लोगों ने एक इनोवेशन करने की पूरी चेष्टा करी है. एक सेंटेड वेस्ट बनियान जिसको आज हम लॉन्च कर रहे हैं. पिछले एक साल से इसके ऊपर में काफ़ी सर्वे किया गया. इसको बनाने के बाद में इसकी टेस्टिंग की गई कि ये यूजर को कैसा लगेगा. आप जानते हैं कि भारतवर्ष में गर्म के सीजन में टेम्परेचर 38 से 45 तक चला जाता है और इस ऐसे टेम्परेचर में एक जनरल पब्लिक को एक ऐसी बनियान मिलती है जिसके अंदर से खुशबू निकलती रहती है. तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होगी जिसकी हमने पूरी चेष्टा करी है. प्रोडक्ट के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि लक्स कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के पहले हमारे एक R&D डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग पूरा रिसर्च करने के बाद में ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. आज कंपनी का जो प्रोडक्शन है एवरीडे प्रतिदिन 1.4 मिलियन पर पीसेज एवरीडे है जो कि अपने आप में इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन लक्स कंपनी इस निटिंग इंडस्ट्रीज में कर रही है. जहाँ तक बॉलीवुड का बात है, वरुण हमारे साथ है शुरू से और आखिरी तक रहेंगे. बहुत एक अच्छा प्यारा भाई, मेरा यंग ब्रदर, और इसने हमें इतना सपोर्ट किया है कि इनके बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है. हर समय इनके दिल से एक ही बात निकलती है, कुछ नया करके लाइए, कुछ नई चीज़ बनाइए, कुछ ऐसा कुछ करें जो कि आज तक किसी ने ना किया हो. और हम लोग वो चेष्टा करते रहते हैं कि इसी तरीके का कुछ नया प्रोडक्ट, नया उत्पादन हम मार्केट में ला सकें. ये उसी चीज़ का एक का तरीका है कि हम एक सेंटेड वेस्ट के रूप में Lux Cozi को लॉन्च करने जा रहे हैं. इसके हमने वरुण से काफ़ी इसमें इस वेस्ट को आगे बढ़ाने में, इसका विज्ञापन करने में, इसके प्रोडक्ट को किस तरीके से आगे लाया जा सकता है, इनका पूरा सजेशन हमारे साथ है. मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस मैसेज को कंज्यूमर तक पहुँचाएँ कि भारतवर्ष में कैसी बनियान अब आ रही है जिसके अंदर से आपको एक परफ्यूम की महक मिलेगी. एंड मैं वरुण से भी यही चाहूँगा कि जितना साथ हमेशा आपका मिलता रहा है उस तरीके से हम लोग लाइफ टाइम हम हैं जब तक हम आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.
All right, so moving forward, I would like to request Mr. Pradeep Todi, Managing Director, Lux Industries Limited, to kindly take it forward regarding the performance of the company and how the brand has been the pioneer of the industry. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी मीडिया हैं, डिग्निटरी हैं और हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ भाई साहब ने आपको पूरा बताया है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जो सेंट्रल वेस्ट का हम लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग साथ में बैठे एक दिन कह रहे थे कुछ नया करो, वरुण कह रहे थे कुछ नया करो यार, सब तो पुराना पुराना करते हैं, कुछ नया करो। हमने इसमें क्या करें, नया गला तो सामने ही है, सामने ही रहेगा, लेबल पीछे पीछे ही रहेगा, हम नया क्या करें, बोले इसमें सेंट डाल दो। तो इनकी जो आइडिया है, हमने उस आइडिया पर फिर रिसर्च किया कि ये आइडिया रियल में आइडिया अपने आप आती है। क्या सोचते हैं आइडिया कहाँ से आती है? आइडिया जब भी आती है अपने आप अचानक से निकलती है, फिर उसको आप फॉलो करते हैं तो उस आइडिया के अंदर में रास्ता निकल जाता है। हमने इसी तरीके से इसको लास्ट 6 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेट हम लोग इस जगह पे पहुंच गए कि एक सेंट्रल वेस्ट है जो कि हम बना सकते हैं, और उसी तरीके से अभी सोच रहे हैं हर साल नया कुछ किया जाए। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि हर आदमी वरुण को सुनने आए या वरुण भी अपने मुँह से कुछ बोले। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा बहुत फनी है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं इवेंट्स के लिए आता था, मैं तेरा हीरो के लिए एक इवेंट था, मैं बहुत प्रमोशन शुरू हुआ था मेरा वक्त, और यही जितने भी चेहरे हैं जैसे मैं बड़ा हुआ इनकी भी उम्र आगे बढ़ी है कई कई का पेट आया है जैसे उधर पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरीके से दोस्ती यारी बनी रहती है, सब लोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सब साथ में। पर मैं ये जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि मैंने हाँ कहा था ऐसे कि हाँ कुछ नया करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एटलीस्ट इधर मुंबई में या जिधर भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं इंडिया में, कभी कभी गर्मी के मौसम में इतना मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है दैट लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन्स, परस्पिरेशन हैपन्स, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यू नो टू कीप योर कूल ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी उस में अगर आपके पास एक ऐसा वस्त्र हो, एक ऐसी बनियान हो जहाँ बनियान में से अच्छी सुगंध निकल रही है तो अच्छा ही लगेगा, एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे वो लोग भी मतलब थके हुए इधर एटलीस्ट एक एक वाओ एक ऐसा फीलिंग निकलेगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाई लक्स कोजी इंडिया का पहला सेंट वाला बनियान, दिस इज इंडिया फर्स्ट सेंट वाला बनियान, और ये इंडिया में ही बना है। सेकेंडली ये एड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम लोग ने ये 3 एड शूट किए थे। पहली बार मेरे बड़े भाई ने ये एड्स डायरेक्ट किए, सो द एड दैट यू गोना सी रोहित धवन हैज़ डायरेक्टेड देम। मुझे बहुत उनको बोलना पड़ा कि प्लीज़ 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 करो, देन ही मेट अशोक जी, फिर ही लाइक्ड अशोक जी, तो उन्होंने वो तैयार हो गए ऐड करने के लिए। बट बहुत नया कॉन्सेप्ट है एड्स को लेके, देयर इज़ अ क्वर्क इन द एड्स, एंड यही कोशिश है कि हम लोग हमेशा ऑडियंस के लिए कुछ नया करें, कुछ नया दिखाए, बाकी तो फर्स्ट क्लास है सब कुछ। तो can we see the ad? All right. So can we please have the ad? It's going to be truly special and unique, as Varun said. So let's have a look over it. Can we please have the AV? Actually, मुझे भी देखना, मैं उधर जाके बैठ के। खुशबू के मजे ले रहे हो सर? चल आगे बढ़। मैम आप भी? खुशबू फैलाते रहो बच्चा। आ गई इंडिया की पहली सेंट वाली बनियान Lux Cozi, सेंट वाली वेस्ट है सबसे बेस्ट। आई थिंक वन मोर टाइम, एक बार वी शुड हैव यूज्ड राउंड अप्लॉज, वरना विल प्ले इट वन मोर टाइम, वी वर वेटिंग फॉर द अप्लॉज। या सो नाउ बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अनवीलिंग द प्रोडक्ट, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नवीन तोड़ी टू शेयर हिज पॉइंट ऑफ व्यू, द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Lux Industries। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, द मीडिया, द dealers and everyone, and especially Varun, thanks for coming here. It's been a pleasure to see you all, and as you see, summer is coming and we have given you something which you can avoid your due expenses and use our vest. That is something which will give you all the pleasure, and this is the first time in India that we have come out with this product, and Mr. Varun will be launching it and you'll be getting some of it for yourself to use and enjoy it. Thank you.
Thank you so much. And without much ado, I'm sure everyone is dying to see the product. And let's head towards the unveiling of it. So I would. सबको product दे रहे हम लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको दे रहे हैं. And there are some other दूसरे भी कुछ चीजें दे रहे हैं. पैसे वैसे तो नहीं दे रहे हो ना? अरे ये प्रेस में जब न्यूज़ दे रहे हैं, that is also a kind of funny. All right, so I think we are all set. I would request all our dignitaries to please kindly come forward. I request Mr. Varun Dhawan to please kindly be part of the very special moment of the day of the year with Lux Industries. I would request all four to please kindly come little forward. All right, with the countdown, we start and let's make it more special in 3, 2, 1. Here we go, here we present India's very first scented West range. Let's make India feel more good, look more good, and feel more good. Okay, so I want me also to be part of it. All right, one more time. Yeah, we present Lux Cozy, India's first ever scented wide range new product, the most innovative product of the here I must say by Lux Industries with none other than Solo. Okay, yes, we will do Solo definitely. All right, so Varun, everyone is saying that we are all saying that it's a scented product. So we really want, if you can smell it and show it, because itni dur khadi ho, fir bhi I can feel it. So I think I'm the luckiest one to be part of it. Thank you so much for joining us. Thank you so much. It was really nice having you. And before we head towards the Q&A, would you like to say something, share something about the association with Lux Industries? Just that it's been an amazing association. One more. Kya karu? Ye photo chahiye. Acha, video. Camera laga rahe ho. But basically, it's been a very wonderful association with Lux Cozy. Hum log jaise hi aage badhne wale, we are going to do even more new things. I think innovation is the name of the game, whether it's business, whether it's movies. Hamesha kuch naya karna chahiye. I think that's what people want also. Ya kuch try karna chahiye. So, main bahut grateful hu ki aap logon ne aisa ek product nikala hai jo India mein किसी ने नहीं निकाला है. एंड ये इंडिया का पहला सेंट वाला वेस्ट है. लक्स कोजी सेंट वाली वेस्ट है सबसे बेस्ट. क्या बात है, अमेजिंग. सो आई एम श्योर एवरीवन इज डाइंग टू हैव क्यूएनए विद हिम. सो आई रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज टू प्लीज काइंडली हैव अ सीट. ऑलराइट, सो वी रिक्वेस्ट प्रेस मीडिया टू काइंडली इंट्रोड्यूस देयर नेम विद द पब्लिकेशन नेम. एंड वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज काइंडली स्टिक टूवर्ड्स द ब्रांड क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. हेडिंग टूवर्ड्स टू यू ऑल, कैन यू प्लीज हैव द माइक्स फॉर द मीडिया Q&A's. All right, here we go. We request you to kindly raise your hands and kindly introduce your name, publication name, and then we head towards it. Thank you. We are giving you a mic over there. Hello. Hi.
So firstly, I think fragrance, people are very sensitive to fragrance. So when you came up with this idea, what went behind it? Because different people may like different fragrances and some may be very sensitive towards it. This is the basically common, very much common waste. And जब किसी भी एक चीज़ के तरह में हम common waste देते हैं तो अलग अलग perfume देना आई थी little bit impossible, but we will try in future. But now this is the first time we are giving a one single perfume and jasmine's performance. And in future, if it will be demand, then definitely we will try to more and more fragrance. So also, could you give us a number as to the kind of media spend that went on A&P, the advertising and promotions? For this Lux Cozi or this company? So for this particular product? In the next 3 months, it is more than 30 crore. Thank you so much. Yeah, I am here. Yeah, this side. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या होता है कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, सबके स्किन जो है वो अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, तो इसमें आपका रिसर्च वर्क किस तरीके से हुआ ताकि हर कोई इसे पहन सके? इसके अंदर में रिसर्च करने के लिए जो सबसे पहली बात है कि वन सेकेंड इसके लिए पहले हम लोगों ने करीबन अलग अलग परफ्यूम के अंदर 100 पीस बनियान बनाई थी जो हमने काफ़ी लोगों को दिया. फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि मैक्सिमम लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इस निर्णय पे पहुँचे हमें ये करना चाहिए था. एंड इसके साथ ही विदाउट परफ्यूम भी आल्सो अवेलेबल है. अगर किसी को परफ्यूम सूट नहीं करता है, कुछ ऐसे भी हैं, तो विदाउट परफ्यूम भी प्रोडक्ट रेडी है. हाय वरुण. Hello ma'am, how are you? This is, I'm good, nice to see you. I would like to ask you, we all know this is summer time and you especially shooting all over the world. So whenever there is summer time, how do you take care of yourself? I think I have a bath twice a day or thrice a day. Because like you said, summer time hota hai toh bahut स्वेटिंग वेटिंग भी होता है. बट एक्चुअली दिस हैपन्स कि कभी कभी आप जब रोल्स कर रहे हो, यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल सूट या अ शर्ट, लाइक इसके बाद आई हैव टू गो फॉर अनदर इवेंट, तो मुझे सूट पहनना है, शर्ट पहनना है, देन यू गेट स्वेट पैचेस. सो द बेस्ट थिंग इज़ टू वेयर अ वेस्ट, यू नो. सो आई डू कैरी वेस्ट इनसाइड सो दैट अंदर यू डोंट गेट स्वेटिंग, बिकॉज हमारा एक विजुअल मीडियम होता है, हम लोग ज़्यादा दिखते हैं. एंड आई फील दैट मतलब ज़्यादातर लोग जो मतलब काम के लिए जाते हैं ट्रेन पकड़ के या कभी ऑटो पकड़ के सुबह सुबह, वो भी हमेशा यू विल सी दैट उनके शर्ट के लाइन से अंदर वेस्ट दिखता है. तो एक उसका वो उपयोग हमेशा होता है. बट अदरवाइज समर टाइम आई थिंक ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड इफ यू कैन हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे हैव अ बाथ. Hi Varun. Hi Varun. Sohail. Varun, hi. This side. On your friend. Okay. What was your reaction जब आपको मालूम पड़ा कि मतलब इंडिया की पहली बनियान है, वो भी खुशबूदार. So आपको क्या reaction था आपका? I think first I couldn't believe it. मैं believe ही नहीं कर पाया. मैंने बोला sir क्या आप बोल रहे हो आप सच्ची में? तो he said हाँ सच्ची में Varun. And they got the prototype first. And he said कि आप सूंघ के देखो, आपको चाहिए तो आप एक दिन पहन के देखो. And see how it goes through. Also मैंने पूछा था कि ये कितने washes तक रहता है. सो आई थिंक 4 to 5 वॉशेज तक द स्मेल ऑल्सो रिमेन्स इन द वेस्ट एंड देन आफ्टर दैट यू कैन यूज इट एज अ नॉर्मल वेस्ट. बट मैंने ये भी पूछा था तो पूरा दिन भी मैंने पहना था वेस्ट. एक दिन मैं वर्कआउट करने के लिए गया था उसके बाद एंड इट रियली डिड लास्ट वेरी वेल, यू नो. तो मैं काफ़ी खुश था प्रोडक्ट के साथ. एंड यू नो एज अ एक्टर एज अ सेलिब्रिटी अगर आप कुछ इंडोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट, आपको अपना भी ड्यू डिलीजेंस आप कोशिश करते हो करने के लिए. तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे और सर ने तो बहुत बोला कि आप खुद टेस्ट करो पहले, क्योंकि अभी टेस्टिंग, बिकॉज दे हैड अ वेरी लॉन्ग टेस्टिंग पीरियड फॉर दिस. एंड सर इसी के साथ में क्या कॉस्ट होगी, मतलब कितना क्या क्या मतलब? इसकी कॉस्ट डेफिनेटली ऊँची है, पर अभी हम आने वाले 3 महीने में उसको सेम प्राइस में दे रहे हैं. कि मार्केट के अंदर एक बार जब तक सेम प्राइस में नहीं आता है तब तक इसको आज का जो कंज्यूमर है वो बाइक करने से सोचता है. हमारा इसका दाम ऊंचा है, पर अभी हम 3 महीने तक इसको ओल्ड रेट में ही सेम रेट में देंगे. परफ्यूम और विदाउट परफ्यूम एनीथिंग लिमिटेड ऑफर. वरुण कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ होगा कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ वेरी बैड बॉडी ऑर्डर एक्चुअली मेनी टाइम्स जब आप शूट कर रहे हो तो लगता है कि ये प्रोडक्ट विल बी रियली यू नो
quite helpful. Or kabhi aise koi experience you'd like to share? You know? Nahin, hamesha hota hai, kabhi kabhi aap, kyunki aap ek actor ho, to aapko alag alag situations, alag alag weather mein shoot karna padta hai. Kabhi kabhi romantic scenes shoot karna padta hai. Kabhi kabhi action scenes shoot karna padta hai. To aap agar achha smell karoge, ya aapke co-actors achha smell karege, to achha lagega. To main ye apne aap, apne saath le jaunga shooting ke liye aur sabko baatunga, ki pehen ke aa jao garmi mein. To ye girlfriend ke liye bhi achha hota hai. Ye, haan. सबके गर्लफ्रेंड्स के लिए अच्छा होगा. वरुण अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज से. ये कहना था कि आप क्या ये जो वेस्ट है क्या 4-5 दिन ही सिर्फ इसका सेंट रहेगा क्या इसके अलावा या दूसरी दूसरा 4-5 दिन नहीं 4-5 वॉशेज कि आप 4-5 बार इसे धो सकते हैं और तब तक सेंट रहता है. यानी जो आपने कहा कि आप 2-3 दिन सॉरी दिन में 2-3 बार नहाते हैं तो यानी आप नहाना बंद कर देंगे शायद आप शायद कम ना होगा फिर अच्छा पानी बचेगा. हाय वरुण. तो जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में पूरा क्रेडिट आपको दिया था कि ये कहते हुए कि आपने बोला कुछ नया तो सेंट लाते तो वो एज मजाक में बोल दिया था आपने और इन्होंने सच्ची में ले आया या फिर वो आपने सच में बोला था? जब हमारे कॉन्वर्सेशन होते थे तो मैं सच्ची में बोलता था कि सर कुछ नया करते हैं क्योंकि देर आर लॉट ऑफ बेस्ट ब्रांड्स. ऑब्वियसली लक्स कोजी इज़ द लीडिंग बेस्ट ब्रांड इन द कंट्री. बट मैं हमेशा बोलता था कि कुछ अलग करते जो दूसरे लोग नहीं कर रहे तो कैसे कर सकते हैं क्या अलग कर सकते हैं. तो ही सरप्राइज मी विद दिस ऑनेस्टली. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग कुछ ऐसा लेके आएंगे जिसे मैं खुद इतना सरप्राइज हो जाऊँगा. वरुण जब भी कोई पंच लाइन आती है तो मजाक में ही आती है. आज तक का इतिहास तो यही देखा मैंने. वरुण आपको हमेशा ऐसे कपड़े पहने पड़ते हैं जैकेट्स पहननी पड़ती है और हर जगह ट्रैवल डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट क्लाइमेट. तो हाउ मच डू यू बिलीव दैट वन शुड हैव मिनिमम क्लोथ्स. मतलब ऐसे कई बार होता है जब घर पे नहीं होता यार चलो आराम से रहें अपना खुला रहें. व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक मैं फुली बिलीव करता हूँ ये एंड स्पेशली जब आई थिंक जब अलग अलग जगहों पर मैंने शूटिंग की है जैसे चंदेरी में जब शूटिंग किया था मैंने तो तब लोग समर में वैसे ही पहनते हैं. वो लोग बहुत साधारण नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वेरी इजी कपड़े शायद बनियान हो गया ऊपर या वेस्ट हो गया ऊपर और पैजामा हो गया एंड दैट्स हाउ दे स्टे एट होम. मैं समर के महीने में बहुत कम कपड़े पहनता हूँ घर पे ऑनेस्टली क्योंकि बहुत गर्मी रहती है. तो आई रोम अराउंड इन माय बॉक्सर्स और जस्ट वेस्ट दैट्स इट. हेलो सर हियर राइट. हाँ जी हाय व्हाट्स अप सर. ओकेजन ऑफ दिस फोरम एक्चुअली मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ. कैन आई गिव यू दैट? एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कलंक प्रमोशन सर. सो कैन आई सर? या श्योर श्योर. Thank you so much. Any more questions? Varun, do you feel so the vest sometimes gives you confidence also, proper, a very good vest? Because when you have a good vest, jo hota hai, it gives you confidence also. 100% because in a way, it keeps your body ko bhi pakad ke rakhta hai, structure-wise. So, matlab, har kisi ko lagta hai ki body jis tarah se aap flaunt kar rahe the, like, you know, you could really make it out also. Main actually mehnat bhi bahut karta hu uske liye, but generally, I think your confidence does build. एंड आई थिंक मोर एनीथिंग अच्छा ही लगता है जब वेस्ट अच्छा है फिट अच्छा है उसका तो हर कोई अच्छा ही लगता है उसमें. वो जब घर पे हो आप मतलब अपने फैमिली के साथ तब क्यों नहीं पहन सकते और बाहर भी पहन सकते हो. आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट. ये जो वेस्ट है इट्स इन ओनली इन वाइट कलर या आई मीन यू हैव अदर कलर देन योर कलर प्रेफरेंस अगर यू लाइक? देयर इज सो मेनी कलर बट मैक्सिमम 95% सेलिंग इज वाइट. So we have the last question coming up. Mr. Todi, I want to ask you something related to when you said innovation. There's always a background company to innovation. Who has done this innovation? Who is the innovation partner? This is about the product or about the commercial? About the product, sir. Who is the innovation behind the company? Because, you know, we have our coating technology. Okay, okay. We have our one strong team in our company.
basically they are thinking every time about the product innovation. ये जब भी कभी वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं वहाँ से नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं कि what will be the best for us and as per our local suitability of the market, Indian market. So one thing Mr. Padichodi want to say also. मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट हम 100 साल से बनियान बना रहे हैं, तो आज मेरी उम्र 100 साल नहीं है, now I am 52. पर जब आदमी पैदा ही बनियान में होता है और दिन भर जब देखता है तो उसको इनोवेशन की दरकार नहीं पड़ती, कल्पना में आती है. हीरो का जो बेटा होता है ना तो उसको खून में रहता है कि उसको क्या करना है, क्या करना है, अपने को सीखना पड़ेगा. आपको ड्रीम आया? हमको ड्रीम नहीं आया, हमको ये लगा ये जो सेंट्रल वेस्ट है ये इनकी देन है. ये इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ करो. कोई भी आदमी जब कुछ करता तो एक दिशा होती है कि हमें ये कुछ करना है. उसके बाद अगर आदमी सोच रहे तो दुनिया में असंभव वर्ड नहीं है. ये डिक्शनरी से जो इम्पॉसिबल वर्ड है मेरे हिसाब से मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसको हटा देना चाहिए. उधर से इधर आ गए. One last question, please. Superb. Very excited, I think excited, nervous, everything. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म है ये और एडवांस बुकिंग चालू हो गई है. वी आर क्वाइट एक्साइटेड, मतलब जैसे पता चल रहा है हाउ इट्स ट्रैकिंग. और कल जैसे सबको पता है कि वेनिसडे है, हम लोग नॉर्मल फ्राइडे से दो दिन पहले आ रहे हैं क्योंकि कल महावीर जयंती है. इट्स अ बैंक हॉलीडे इंडिया में. सो फिंगर्स क्रॉस यार, मतलब हम लोग एज एन एक्टर मुझे जो भी कुछ करना है मैंने सब कुछ किया है, मेरे हाथों में जो है. बाकी सब तो जनता जनार्दन होती है, ऑडियंस माई बाप होती है, दे हैव टू डिसाइड. फिल्म हम लोग उनके लिए बनाते हैं. सो I'm hoping that they enjoy Zafar's portrayal and the love story between Zafar and Roop. अरे यार कल ही लग रही है एक और. आप जानबूझ के पूछ रहे हो ना ये टेंशन देने के लिए. But Varun, how do you deal with the pressures, you know, of the box office as a star, as a brand, Varun? I'm genuinely feeling a sense of deja vu करके एक शब्द है जो आपको लगता है कि ये चीज़ जो हुई है पहले भी हुई है आपके साथ. एंड आई एम नॉट लाइंग, मुझे मैं तेरा हीरो का एक इवेंट इतनी जोरों से याद आ रहा है क्योंकि ऐसे ही लोगों ने मुझे पूछा था एक दिन पहले रिलीज़ के कि कैसे लग रहा है कल लगने वाली आपकी फिल्म, आप पे बहुत प्रेशर है, आप पहली बार ये मसाला जोन कॉमेडी कर रहे हो. तो अच्छा है, आई थिंक यू नो इट्स वेरी नाइस कि जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ आपसे. और मेरे हिसाब से अभी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है ये फिल्म से, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है. और मैं बस यही कहूँगा कि ये बहुत ही एक इंडियन हिंदी फिल्म है, एक पैन इंडिया मसाला फिल्म है, एक इटर्नल लव स्टोरी है रूप और जफर के बीच में. एंड बहुत सारे किरदार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में. और बहुत अच्छा कि इन्होंने म्यूज़िक इज़ अनबिलीवेबल इन द फिल्म. तो हम लोग ने वो सारे एलिमेंट्स डाले हैं, बट होपफुली द मेन थिंग इज़ कि सबको फिल्म टच करे और आप लोग इमोशनल हो, थोड़ा रोए, थोड़ा हंसे, ये सब चाहते हैं हम लोग. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक टू मिस्टर वरुण धवन एंड होल टीम फॉर द अपकमिंग रिलीज. ऑलराइट, आई एम श्योर दिस प्रोडक्ट इज ट्रूली गोना बी अ गेम चेंजर एंड इट्स गोना क्रिएट इट्स न्यू ट्रेंड, न्यू सेगमेंट, सो दैट इंडिया लुक्स गुड, फील्स गुड एंड स्मेल्स गुड. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन. थैंक यू सो मच वरुण धवन. अरे वो रोशन को लगा सामने वरुण भाई सामने. अरे यार वरुण भाई सामने. वरुण बाप जम कर दे पानी तो पिक्चर हिट होगी तो कूद भी जाओगे. वरुण खाली अरे ले लो यार, अरे यार कोई आदमी ले लो. क्या बात है, क्या बात है, आग लगा दो. Yeah.
Excuse me, sir.